नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्विनी पांडे। स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। नाउ आज जिस टॉपिक पर वीडियो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इवन कि मैं पहले सोच रहा था इस पे वीडियो ना ही बनाऊं, लेकिन ज़रूरी है कि कुछ रियलिटी से आप सबको रूबरू भी कराया जाए कि हो क्या रहा है एक्चुअल में। देखो, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आजकल है, बहुत सारे आर्टिकल्स छप रहे हैं। ओबियसली आप लोगों ने देखा भी होगा और सुना भी होगा कि भारत और चीन दोनों डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया में आगे बढ़ चुके हैं और दोनों तरफ से जो एलएसी पे तनाव था उसे कम करने के लिए डिसएंगेजमेंट की जा रही है। भारत और चीन के बीच में जो 2020 में क्लैश हुआ था, जिसमें भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए थे और वहीं चाइना के 35 से लेकर 40 सैनिक मारे गए थे, लेकिन चाइना का वर्जन है कि उसके 4 सैनिक की ही डेथ हुई थी। चलो, ये तो बात हो गई 2020 की 15 जून की। उससे पहले क्या हुआ था कि चीन ने भारत पे आरोप लगाया था कि भारत एलएसी पे कंस्ट्रक्शन कर रहा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। इसलिए चीन ने क्या किया था, बहुत ज़्यादा सैनिक मोर्चाबंदी कर दी थी एलएसी पर और तनाव बढ़ गया था और फिर 15 जून को क्लैश हो गया जिसमें यह दुर्घटना घट गई। लेकिन उसके बाद 16 राउंड की बातचीत हुई हाई कमांड लेवल पर और फिर उसके बाद में ये निष्कर्ष निकला कि अब दोनों देश की आर्मी पीछे हट जाएंगी अपने अपने जगह से और अब यहाँ पे तनाव कम कर देंगी। लेकिन इसमें अब एक बहुत बड़ा गेम हो गया। सुब्रमण्यम स्वामी जी का एक ट्वीट है, क्योंकि वो लोकसभा के एमपी हैं, ओबियसली वो ज़्यादातर ऐसे ट्वीट करते रहते हैं जिसमें ये लोगों को लगता है कि ये मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते हैं, जबकि बीजेपी से ही वो लोकसभा के सांसद हैं। लेकिन उसके बावजूद वो कुछ मुद्दों पर सरकार की आलोचना करते हैं। हुआ क्या कि उन्होंने भी इस ट्वीट को ज़्यादा हाईलाइट किया और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स छपे हैं जो ओबियसली इंडियन मीडिया है, कोई बाहर की मीडिया नहीं है, कोई प्रोपोगंडा न्यूज़ चैनल नहीं है या कोई प्रोपोगंडा न्यूज़पेपर नहीं है, जिसमें ये क्लियरली लिखा हुआ है कि इंडिया ने किस तरह से अपनी ज़मीन को लॉस कर दिया है, अपने ग्राउंड को लॉस कर दिया है। हुआ क्या है एक्चुअल में, मैं आपको थोड़ा पॉइंट्स में बताने की कोशिश करता हूँ। जो तनाव था वो गलवान घाटी और पेंगोंग लेक और घोघरा के आसपास था, जो हॉट स्प्रिंग है उसके आसपास था। फिर उसके बाद में ये सब जो हुआ 15 जून को इस तो हुआ ही और फिर बातचीत होकर अभी हुआ कि डिसएंगेजमेंट बढ़ा दी जाएगी। लेकिन जो डिसएंगेजमेंट हुई है उसमें चाइना की कुछ शर्तों को भारत सरकार मान गई है, जो भारत के ही आर्मी ऑफिसर्स हैं वो बता रहे हैं कि ये गलत हुआ है और ऐसा होने से भारत को नुकसान हुआ है। मैं एग्जांपल के लिए बताता हूं कि पूर्व कर्नल अजय शुक्ला ने कहा है कि लद्दाख में कई जगहों पर डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया भारत के लिए हानिकारक है। कर्नल शुक्ला ने यह भी कहा कि बफर जोन इस तरह से बना है कि भारत उन क्षेत्रों में गश्त नहीं कर सकता है जिन्हें भारत का माना जाता है और जहाँ पर पहले गश्त होती रही है। मतलब क्या है कि देखो, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से भारत और चाइना दोनों पीछे हटे हैं। मैं सेटेलाइट की इमेज आपको दिखा रहा हूँ जिसमें ये देख लो कि सामने से दोनों पार्टी हट रही हैं, लेकिन पेट्रोलिंग पॉइंट 16 है, वहाँ से अब भारत पीछे हट जाएगा और वहाँ कभी पेट्रोलिंग करने नहीं जाएगी। जो इंडो टिबेट आर्मी है यानी ITBP है वो नहीं जाएगी या भारत का कोई भी सोल्जर उधर नहीं जाएगा पेट्रोलिंग करने के लिए। इससे पहले भारत वहाँ पेट्रोलिंग करता था। जो गणरियाज होते हैं, जो गाय वगैरह चराते हैं या जो वहाँ के लोकल जानवर होंगे जो वहाँ के लिए सस्टेनेबल होंगे उस एटमोसफियर के लिए, वो सब वहाँ पर ठंडी के सीजन में यानी विंटर में स्पेशली जाते थे और वहाँ पर अपने वो जानवर को चराते थे। लेकिन अब वो वहाँ नहीं जा सकते हैं क्योंकि वो बफर जोन घोषित हो गया है। इंडियन गवर्नमेंट इस बात को मान गई है चाइना की कि अब उसको बफर जोन घोषित कर देंगे और वो छोटी सी जगह नहीं है, काफ़ी हैवी लैंड है जो इंडिया का एटलीस्ट फिलहाल के लिए इंडिया के हैंड में अब नहीं रहा है। वो बफर जोन घोषित हो गया है, वहाँ पर इंडियन सोल्जर्स नहीं जा सकते हैं। इंडियन सोल्जर्स नहीं जा सकते, इट्स मीन कि इंडियन गवर्नमेंट ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि वो डिस्प्यूटेड है। 1959 से इंडियन सोल्जर्स वहाँ जाते आते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगर आप इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हो कि ये बफर जोन है, इट्स मीन कि आप उसको अब डिस्प्यूटेड मान रहे हो। ये पेट्रोलिंग पॉइंट 16 की मैं बात कर रहा हूँ, 15 की नहीं कर रहा हूँ, जहाँ पे ज़्यादा टेंशन थी, जहाँ से दोनों पीछे 3-3 किलोमीटर हट गए हैं। और ये जगह छोटी नहीं है, और गलवान घाटी में जो बफर जोन 3 किलोमीटर, पेंगोंग लेक 10 किलोमीटर और घोघरा हॉट स्प्रिंग 3.535 किलोमीटर चौड़ा है। भारतीय सेना जो इन इलाकों में गश्त किया करती थी वो अब इस समझौते के तहत यहाँ नहीं कर सकेगी, क्योंकि अब इसको बफर जोन घोषित करके इंडियन गवर्नमेंट ने इसको डिस्प्यूटेड मान लिया है, या अगर लॉजिकली देखा जाए तो ऑटोमेटिक डिस्प्यूटेड हो गया क्योंकि आपने बफर जोन मान लिया है। तो इस वजह से जो पुराने या जो मौजूदा इंडियन आर्मी के लोग हैं वो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है कि ऐसा हुआ है। और वहाँ के जो लोकल हैं या वहाँ के जो चांसलर हैं लद्दाख के उस साइड एरिया के, वो भी कह रहे हैं कि देखो, ये इंडिया ने अपना ग्राउंड लॉस किया है, इसमें इंडिया का नुकसान है, क्योंकि ये वेरी डिसपॉइंटिंग है। लेकिन कोई लोकल्स की फीलिंग नहीं समझता है। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने भी इस पर ट्वीट किया था और बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल छपे हुए हैं जो इंडियन हैं, ओबियसली
इंडियन मीडिया है, ये नहीं है कि कोई विदेशी मीडिया ने छाप दिया हो और ऐसा कुछ है। मैं कई सारे आर्टिकल्स के स्क्रीनशॉट आपको दिखा सकता हूँ। और उसके अलावा इस तरह से देखा जाए तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक और नया डिस्प्यूट क्रिएट कर दिया ये मानकर कि ये हमारा बफर जोन है, जबकि आप क्या कर रहे हो, अपनी ही ज़मीन को बफर जोन घोषित कर रहे हो। जो लाइन लिखी थी सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कि आपकी ज़मीन भी मेरी है और मेरी ज़मीन तो मेरी है ही है, लास्ट में उन्होंने यही लिखा था, जो ये चाइना कहना चाह रहा है भारत से, क्योंकि भारत का एरिया उसने तो बफर जोन घोषित करवा दिया और खुद की एरिया से वो हट नहीं रहा है। अब ये तो अजीब ही बात है, लेकिन ये ज़्यादातर चर्चा में नहीं है। पता नहीं क्यों इंडियन मीडिया जो है वो कवर नहीं कर रही। हालांकि इसमें किसी सरकार का हम पक्ष नहीं ले सकते, हमारा जो राष्ट्र हित होगा वही हम बात करेंगे। ओबेसिली रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि बफर जोन और गश्त स्थगित करना अस्थाई है। उन्होंने कहा भारत ने इन इलाकों पर अपना अधिकार नहीं छोड़ा है। हालांकि उन्होंने इस सवाल पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया कि बफर जोन कब तक जारी रहेगा, इस पर कोई औपचारिक बयान नहीं आया है। तो इस वजह से ये बात अभी क्लियर नहीं है कि ये कब तक ऐसा रहेगा, लेकिन फिलहाल के लिए डिस्प्यूटेड हो गया, क्योंकि इन द फ्यूचर जब इंडिया बोलेगा कि अब तो बफर जोन ख़त्म करो और मैं यहाँ पे आकर पेट्रोलिंग करूँगा, तो ऐसे में चाइना अपोज कर सकता है, क्योंकि वो कहेगा एक बार इसको बफर जोन घोषित किया जा चुका है, अब इसको हम दोबारा से अलाउ नहीं कर सकते। ऐसी और जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।